Hello children, how are you? How do you do? I hope you all are fine. Good morning all of you. Okay, mere bachcho, what is the day of today? Today is Tuesday. And what is the date of today? Today is 13th July 2021. Okay? Yes. So my dear children, आज मंगलवार है और आज कौन सी तारीख है? 13 जुलाई. तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर. Today we are going to learn grammar. Okay? My dear children, आज हम ग्रामर पढ़ेंगे. ओके, लास्ट ईयर आप सब ने ग्रामर सब्जेक्ट पढ़ा. ओके, आपको बहुत मजा आएगा ग्रामर पढ़ने में. ऑल ऑफ यू विल एंजॉय टू स्टडी एंड टू लर्न टू प्रैक्टिस द ग्रामर सब्जेक्ट. ओके, यहाँ देखो बोर्ड है. बोर्ड पे मैं जो भी थोड़ा बहुत लिखूंगा वो आपको कॉपी करना है, ध्यान देना है एंड लिखना है. ठीक है? Yes, very good. तो आपके पास आप सब ने ये बुक ली है ना, ये ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग. Yes, very good. ना तो बच्चों, हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे. ओके, we will study the first chapter, number one chapter, alphabetical order. ये देखो बच्चों, alphabetical order. Okay, I write on board. Alphabetical order. अल्फाबेट मीन्स ए लेटर्स. अल्फाबेट मीन्स लेटर्स. ए बी सी डी ई एफ जी, ऑल दीज आर अल्फाबेट्स. ओके, तो ऑर्डर मीन्स यू नो लाइक ए सिक्वेंस. ऑर्डर हैज मेनी मीनिंग्स मेरे बच्चों. इंग्लिश में एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं और यहां पर जो ऑर्डर का जो अर्थ है वो सीक्वेंस है, इन प्रॉपर सीक्वेंस यहां पर ये अर्थ हम लेंगे. ओके, तो अल्फाबेट को मतलब एबीसीडी को हम वन आफ्टर अनदर लिखेंगे. जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, नहीं कि जी एच आई आता है. ओके, आई के बाद आई जे ही आता है, जे के बाद के ही आता है. ऐसा नहीं है कि भाई के बाद डायरेक्ट पी एम आई आ जाएगा, दैट इज रॉन्ग ऑर्डर. सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मीन्स वी हैव टू राइट इन प्रॉपर सीक्वेंस. Okay, that is called alphabetical order. Okay, yes. तो बच्चों, आपका पहला चैप्टर जो है ये देखो, alphabetical order. इसमें एक्सरसाइज दिए गए हैं. The letters A to Z are called alphabet. क्या कह रहे हैं मेरे बच्चों? अल्फाबेट किसको बोलते हैं? लेटर्स को बोलते हैं. कौन से लेटर्स? ए बी सी डी, वो सब अल्फाबेट. यस और नो? Yes. अब यहां पर A to Z अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिए गए हैं. ओके, अब हम उसको अरेंज करेंगे. कैसे? अब बुक में देखो पिक्चर कौन सा है. एंट, पहला पिक्चर एंट का है, दूसरा पिक्चर बेट का है, तीसरा पिक्चर चेयर, एंड डी फॉर डॉल. तो A for ant,
ए फॉर एन, बी फॉर बैट, सी फॉर चेयर, एंड डी फॉर जॉब। ऐसा दिया गया है आपके बुक में, यहां पर ये देखो, यू सी। ओके, तो बच्चों क्या करना है अब, ये हर एक वर्ड में, ये जो जितने वर्ड्स दिए गए हैं, देर आर फोर वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स आर देर, देर आर फोर वर्ड्स, देर आर फोर वर्ड्स, यस और नो, देर आर फोर वर्ड्स, वन टू थ्री फोर। एक ऐसे, एक ऐसे बना है, दूसरा वर्ड बी से है, तीसरा वर्ड सी से, और लास्ट वर्ड जो है वो डी से बना है। ओके, तो हर एक वर्ड में, हर एक वर्ड को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख सकते हैं। कैसे कैसे? अब जैसे इसमें पहला वर्ड ए है, तो इसको हम सर्कल करेंगे, बी फोर में बी, सी फोर का सी, डी फोर का डी, ऐसे। ओके, तो देखो बच्चों, एंड, एंड को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे एंड को, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखो बच्चों, ये बहुत इजी है। अब ए जो है, ए, ए, ए के बाद क्या आता है, बी। यहां तो बी है नहीं, देयर इज नो बी, एंड देन बी आफ्टर बी, बी के बाद क्या है, सी, सी भी नहीं है, डी, डी भी नहीं है, ई, ई भी नहीं है, एफ भी नहीं, जी भी नहीं, एम, एन है, एन है, तो ए के बाद एन ही, हम एन लिखें, एंड एन के बाद क्या आएगा, ओ पी क्यू आर एस, ये तो वर्ड्स है नहीं एन के बाद, तो डायरेक्ट टी दिया है, तो ये टी लिख दिया, तो इसको कहेंगे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दिस इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यस। ओके, नाउ हम बेट का देखते हैं। अब बेट, बेट जो है, बी ए टी मतलब बेट, ये एक वर्ड है, ये क्या है, वर्ड, यस। नाउ वी विल सी दैट, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले तो ए ही आएगा ना, तो ए, ए के बाद क्या आता है, बी, तो ये बी लिखेंगे हम, बराबर, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ये तो वर्ड्स इसमें है नहीं, तो क्या आता है, डायरेक्ट टी, तो टी लिख देंगे। सो दिस इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दिस इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यस। तो मैं समझता हूं कि आप सबको समझ में आ गया है, आई थिंक दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। ओके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का जो टॉपिक है, लेसन है, ये आपने सीख लिया होगा, ये बहुत ही चीज। उसी तरह से चेयर, एक दूसरा वर्ड दिया गया है, मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स समझा देता हूं, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। चेयर, अब देखो बच्चों, चेयर में कितने वर्ड्स हैं, कितने लेटर हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, कितने लेटर हैं, फाइव लेटर्स, देर आर फाइव लेटर्स। अब फाइव लेटर्स को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, है ना, ठीक है, वी विल राइट देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हाउ, लाइक दिस। तो इसमें सबसे पहले एबीसीडी में कौन सा आता है, यहां पर ए है, ए, बी है नहीं है, सी है नहीं है, डी है नहीं है, अब सी है, हाँ बी नहीं है, तो सी लिखेंगे, डी है, देयर इज नो डी, ई, देयर इज नो ई, एफ जी एच आई, आई है, तो आई लिखेंगे, हैं, हैं, ए नहीं, सी के बाद एच है, तो एच लिखेंगे, एच के बाद क्या आता है, आई, तो आई लिखेंगे, जे नहीं है, के, हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू, ये दीज आर नॉट अवेलेबल, तो डायरेक्ट क्या दिया है, क्या दिया है, आ, तो ऐसे लिखेंगे। ओके, तो ये वर्ड है हुआ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ए सी एच आई आर, दिस वर्ड इज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, तो उसी तरह से नीचे भी ऐसे ही दिया गया है, सन, ऑरेंज, एप्पल, टाइगर, ये वर्ड्स को हम अल्फाबेटिकल में लिख सकते हैं। ओके, अब यहां पर एक्टिविटी दी है, फोर
द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ओके, पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अब ये वर्ड्स जो है, वर्ड्स, ये वर्ड्स दिए गए हैं. पहला वर्ड है बोट, उसके बाद कार, उसके बाद टेलीफोन, उसके बाद स्वीट्स एंड देन रोज. देखो बच्चों, देखो बच्चों, तो इसी तरह से ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे. जैसे बोट है, तो बोट में पहला वर्ड जो है, पहला लेटर बी से है तो वो फर्स्ट आएगा. उसके बाद ऐसे कोई वर्ड नहीं है, सी से वर्ड है, सी ए आर का. उसके बाद डी से नहीं है, इससे भी नहीं है, डायरेक्ट किससे है, आर से है. तो रोज थर्ड, उसके बाद स्वीट्स है नंबर फोर में, स्वीट्स, टेलीफोन नंबर फाइव. ओके, तो वर्ड्स को भी हम अल्फाबेटिकल लिख सकते हैं, केवल पहला लेटर ही देखना है. ओके, समझना है, समझ गए ना बच्चों? ओके, तो उसी तरह से मैं आप लोगों को ये पेज होमवर्क में देता हूं. आपको ये सारे वर्ड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, पहला वर्ड को ही देखना है, पहला लेटर को ही. ओके, उसको वो वर्ड पहला पहले लिखो, उसके बाद ऐसे लिखते जाओ, ऑर्डर में लिखो. ओके, दिस इतना ही करना. फिर ये भी फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स एक्टिविटी टू भी मैं आपको होमवर्क में देता हूँ. ओके, एक्टिविटी वन का मैंने एग्जाम्पल आपको समझा दिया है, अब एक्टिविटी टू आपको घर से करके लाना है, नोटबुक में आपको लिखना है, ग्रामर की नोटबुक में, और उसके बाद मुझे बताना है. ठीक है? ओके, ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट पीरियड. अब हम नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच.